हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा नमक की। आप देख सकते हैं टाटा नमक जो कि हमारे पास नया माल आ चुका है, 28 MRP का आ गया है। इसी के साथ बताऊंगा मैं, टाटा नमक ने 2-3 अपडेट किए हैं। सबसे पहले जो रेट है वो आप देख ही चुके हैं। इसी के साथ बताऊंगा टाटा नमक ने अपनी पैकिंग भी बदल दी है, और इससे अलग जो कि टाटा नमक का 50 किलो का कट्टा आता था, अब वह कितने किलो का आ रहा है, जो अभी बहुत बड़ा अपडेट उस कट्टे को लेकर आया है। इसी के साथ बता दूं कि इसमें कितना मार्जिन है, कितने आपको रुपए का मार्जिन मिलेगा, यानी क्या रुपए आपके एक पैकेट पर अब बचेंगे। सबसे पहले बात करेंगे टाटा नमक की। जो ये पैकिंग है आप देख रहे हैं, ये नवंबर महीने की पैकिंग है। आप देख सकते हैं नवंबर 2022 की, और आप इसे बेस्ट बिफोर 1 ईयर तक इस पर मैन्युफैक्चरिंग दी जाती है। इसी के साथ बता दूँ कि आपको इसके एक कट्टे का होलसेल रेट क्या पड़ेगा। उससे पहले बता देता हूँ, इसका एक कट्टा जो पहले 50 किलो का आता था, अब आ गया 25 किलो का। आप देख सकते हैं 25 गुणा में 1 किलो के रिटेल पैक, यानी कि 25 kg का इसका वजन होगा। नवंबर 2022 की पैकिंग है, अप्रैल 2024 तक ही इसकी एक्सपायरी डेट है। यदि आपकी दुकान पर टाटा नमक कम सेल होता तो भी आप इसे बाय कर सकते हैं। 2 साल की एक्सपायरी है, यह एक्सपायर नहीं होगा और ख़राब तो होता ही नहीं है, तो इससे बढ़िया मार्जिन और क्या है। इसी के साथ बता दूँ इसका होलसेल रेट। सबसे पहले बता देता हूँ, यदि आप इसे 5 या 10 पीस जो रिटेल में बाय कर लाते हैं कहीं दुकान से अपनी दुकान पर बेचने के लिए होलसेलर से, तो आपको 25 रुपये का पड़ता है। लेकिन ये आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप 50 किलो नहीं बाय कर सकते तो आप 25 किलो का कट्टा बाय कर सकते हैं, जो कि आपको पहले के मुकाबले अब सस्ता पड़ेगा, क्योंकि इसका एक कट्टे का रेट 595 रुपये है, जिसके हिसाब से आपको यह 22-23 रुपये 80 पैसे का एक पैकेट पड़ेगा। इसी के साथ बता दूं कि 23 रुपये 80 पैसे का एक पैकेट पड़ने पर आपको 4 रुपये 20 पैसे का मार्जिन आपका बन जाता है एक पैकेट पर, और यदि आपका नमक अच्छा सेल हो रहा है तो आपको और भी बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि इस पर स्कीम वगैरह आती रहती है। जो टाटा नमक की स्कीम अभी मेरे पास तो नहीं आई है, लेकिन मैंने क्योंकि बिना स्कीम के माल मंगाया था, यदि आपको स्कीम के माल चाहिए तो इसका 5 या 10 रुपये होलसेल में रेट बढ़ जाता है, और इस पर स्कीम आपको अवेलेबल करा दी जाती है। इसी के साथ बात करेंगे, यदि आप टाटा नमक बाय करना चाहते हैं तो आप अपने आसपास की मार्केट में जाए और वहां के होलसेलरों से बात करें कि टाटा नमक का विदाउट स्कीम के क्या रेट है और स्कीम के साथ क्या रेट है। यदि आपको रेट में ज़्यादा डिफरेंस पाता है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको वीडियो बना कर देंगे कि आप कहाँ से अच्छी तरह से बाय कर सकते हैं। आप अपना एरिया बताइए तो उस हिसाब से हम आपको वीडियो ज़रूर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें।